सारे अनु सत श्री अकाल जी। आई होप तुसी सारे जाने ठीक होवोगे। बच्चे इतने अपनी राइड का बहुत एंजॉय करते पे सी। अज असी भगत नामदेव जी के जन्म स्थान पर जा रहे हैं। बाबा नामदेव जी के पिता का नाम दामा सेठी और माता का नाम गोना बाई सी। उन्हों का परिवार भगवान विठल का परम भगत सी। नामदेव का विआह राधाबाई दे नाल होया सी अते उन्हां दा पुत्तर दा नाम नारायण सी। इह थां बाबा नामदेव जी दा जन्म स्थान है। भगत नामदेव जी पंजाब दे गुरदासपुर जिले दे पिंड घुमान विच 20 साल रहे। उन्होंने मराठी हिंदी अते पंजाबी विच कवि रचना कीती। उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है। भगत नामदेव जी नूं सिख पंथ विच श्रोमणी भगत दा दर्जा दित्ता गया है। आप जी जदों 11 साल दे होए तां पिता जी जदों बाहर जान लगे तां पुत्तर नूं कहा कि मेरे जान मगरों ठाकुरां दी पूजा तुसी करनी है ते रोज़ इशनान करवाना है ते रोज़ पूजा भी करनी है। जदों भगत जी नदी विच्चों जल लैण गए तां देखिया कि नदी विच मच्छियां हन अते सोचण लगे कि यह पानी अपवित्र है, मैं इस नाल इशनान किवें करवावांगा। उस तो बाद वह गागर खाली लै के आ गए। फिर वह फुल लैन लई बाग विच गए अते देखिया कि फुल्लां विच्चों शहद दियां मक्खियां ते तितलियां रस कढ रहे हन। आपने कहा कि ये फुल भी पवित्र नहीं हन, इन्हां दे रस तां मक्खियां तितलियां लै जांदे हन। हे ठाकुर, मैं इन्हां फुल्लां दी माला परो के तुहाडे किवें पावां, क्योंकि इन्हां फुल्लां दा रस तां तितलियां शहद दियां मक्खियां पहलां ही कढ लैंदियां हन। उस तो बाद पिता दा सौंपिया तीजा कम याद आया अते माता जी नूं कहा कि ठाकुरां नूं गां दा दुध पिलाउणा है अते तुसी गां चोह लियाओ, दुध चाहीदा है। भगत नामदेव जी दी माता ने गां दा बछड़ा खोलिया अते ओह थण चुंगन लग पिया अते फिर नामदेव अपनी माता जी नूं कहिंदे हन कि पहले ये बछड़ा दुध पीवेगा। माँ जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, पहला ये बछड़ा दुध पीवेगा फिर ही गां दुध देवेगी। तां आप जी ने कहा कि माँ, मैनू यह दुध नहीं चाहिए, इस दुध का तो भोग मैं ठाकुरां नूं लवाउणा सी। हे विठल, ये दुध अपवित्र हो गया है, दुध तो पहला बछड़े ने चुंग लिया, मैं तो पहले तेनू भोग लवाउणा सी पर यह तो पहला बछड़े ने ही भोग ला लिया ते थणा नूं भी जूठा कर दिता है, तो मैं इस दा भोग किवें लवावां। तो अज पूजा नहीं हुई तो ना ही अज ठाकुरां दा इशनान होया, अज ठाकुरां दे अगे दुध भी नहीं रख्या गया। आप सोचां विच पए कि पिता जी नाराज़ होणगे। हे प्रभु, जद मैं सोचिया कि मैं तेनू इशनान करावां तां तू मच्छी हो के पहले आप ही जल विच इशनान कर रहा है, मैं तेनू की इशनान करवाना। हे प्रभु, जद मैं तेरे बारे सोचिया कि इशनान करावां तां यह भी विचार आया कि इशनान तां उसनू करवाया जांदा है जो मैला हो जाए, कि तुसी मैले हो जांदे। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने कि तू तां उजल है, पावन है, तू तां पवित्र है, मैले तां असी हो जांदे हन, साडा तन मैला हो जांदा है, साडा मन मैला हो जांदा है। हे प्रभु, तू तां निर्मल है, स्वच्छ है। नामदेव जी महाराज कहिंदे कि इशनान तां तेनू मैं तां करवावां कि तू मैला होवे, पर तू तां कदी मैला हुंदा ही नहीं और तेनू की इशनान करवावां, तू तां जल सागरां दरियावां ते झीलां विच रह रहा है। हे प्रभु, जल विच तू, मच्छी विच तू, तू तां व्यापक है। नामदेव जी अगाह फुल्लां बारे इंज कहिंदे ने कि हे प्रभु, जद मैं सोचिया कि तुहानू फुल्लां दी माला बना के पहनावां ते तू तां तितली हो के शहद दी मक्खी हो के आप पहलां ही रस लै लैंदे हन, तेनू की माला पहनावां। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावां तू तां बछड़ा हो के आप ही दुध पी लैंदा, तुसी तां आप ही भोग ला लैंदे हो, हर थां तू ही तू आ। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि भगत नामदेव महाराज जी निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने। नामदेव जी कहिंदे हन कि प्रभु, मैं जिधर भी देखदा हाँ मैनू सारे पासे तुसी ही दिखते हो। सभै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हर एक दिलां विच राम बोलदा है, राम तो बिना होर कौन बोलदा है। पिंड दे बाहर बार बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। अगर तुहानू ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।